बहुत जल्द नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में थल सेना के लिए अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है, जिसे लेकर युवा भी मैदान में अपना पसीना बहाकर तैयारियां कर रहे हैं। इस सुनहरे मौके को भुनाने के लिए नगर पालिका निगम भिलाई के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने युवाओं से अपील की है कि इसके लिए होने वाले ऑनलाइन पंजीयन को जल्द से जल्द कर लिया जाए, जिससे अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में युवा शामिल होकर अपना भविष्य उज्जवल बना सके। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को नगर निगम भिलाई के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है। मुझे अच्छा आदमी चाहिए, काम वाला चाहिए, लेकिन हमारे बीच में जो लोग आते हैं उनके पास काम नहीं रहता है। अच्छा पूछते तुम क्या कर सकते हो, तो काम नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति मिलते हैं। तो मैं आपके बीच में जो आया हूँ, अभी शासन की जो अग्निवीर योजना आई है ना, अग्निवीर योजना में एज कितना कितना है? 17.5 साल से 21 साल, 17.5 साल से 21 साल के बीच में आप भर्ती हो सकते हो। उसके बाद जो है अच्छी खासी पैकेज के साथ 25 साल में मान लो 25% क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं, आप 25% आगे बढ़ जाते हैं, 75% मान लो रिटायर भी हो गए तो उनको अच्छा खासा 10-10.5 लाख रुपया मिलता है, बहुत सारा पैकेज मिलता है। और जितने भी इंडस्ट्री वालों से मैं मिला, उन्होंने हमको बोला है कि अगर मान लो हजारों लोगों की भीड़ है ना, उसमें आप लोग जाओगे जो डेडिकेटेड लोग रहोगे, तो बोलेंगे किसको भर्ती लोगे, तो बोलेगा सबसे पहले मैं आप लोग आपको पुलिस में, आर्मी में, और भी जगह पर टाटा वाले, सिंप्लेक्स वाले सब लोग बोल रहे हैं भर्ती होने के लिए। तो मैं चाह रहा था कि आप लोग अपने खुद और भी जो लोग आपके बीच में लोग हैं जो लगता है कि आर्मी में जाना चाहते हैं, अग्निवीर में जाना चाहते हैं, उसमें जाकर। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। अग्निवीर की भर्ती होने वाली है, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच में है वो अग्निवीर भर्ती योजना में शामिल हो सकता है। अग्निवीर भर्ती योजना में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप चाहे तो च्वाइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। च्वाइस सेंटर के माध्यम से आवेदन करेंगे मात्र 30 रुपये उसमें खर्चा लगेगा, आवेदन कर दीजिए। और तो और आप एक बार अग्निवीर, भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमको अवसर नहीं मिला है, बड़े ही गर्व और स्वाभिमान की बात होती है, बहुत ही फख्र की बात होती है कि देश सेवा के लिए हमें अवसर मिलता है और देश सेवा कर करके हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है, तो अग्निवीर में भर्ती हो जाइए। और तो और कुछ लोग ये कहते हैं कि अग्निवीर के आगे क्या, हम कह रहे हैं कि अग्निवीर में जो लोग भर्ती होंगे, शासन की योजना है कि आपको जितने लोग भर्ती हुए उसमें से 25% आगे चले जाएंगे, मतलब जो उसमें से जो बेस्ट होंगे वो आर्मी के लिए हमेशा के लिए हो जाएंगे। शेष अगर 75% मान लीजिए रिटायर होते हैं, वापस आते हैं, तो उनको 10.5 लाख का बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा और बहुत सारी योजनाएं भी उनको मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे पैकेज मिलेंगे जो उनके लिए कार्य हितकारी है। और मैं कहना चाहता हूँ सभी युवाओं के साथ, भैया तुम जो है 21 साल में अगर भर्ती हो गए, 25 साल में वापस जाओगे, अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। पैकेज मिलने के बाद आप क्या करोगे, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, हम कह रहे हैं टाटा है, डालमिया है, सिंप्लेक्स है, और वो ONGC है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंतज़ार कर रही हैं। हजारों के भीड़ अगर हो उसमें अगर एक अग्निवीर खड़ा होगा, हम मालिक हैं, या बहुत सारी इंडस्ट्री वालों से मेरा बात हुई है, वो बोले कि हम अग्निवीर को पहले प्राथमिकता देंगे, फोर्स में प्राथमिकता देंगे, पुलिस प्रशासन में प्राथमिकता देंगे, और 25 साल के एज में क्या है, जब तक लोग इधर उधर घूमते हैं और अग्निवीर बन के आ जाएंगे और बढ़िया एक स्वाभिमान के जीवन जिएंगे। इसलिए अग्निवीर योजना में सब लोग शामिल हों, अपने भी शामिल हो, पूरे युवाओं को, जितने भी बेरोजगार युवा हैं कुछ राष्ट्रहित में करना चाहते हैं वो अग्निवीर में शामिल हों, और अग्निवीर में शामिल होकर के एक अग्निवीर बने और राष्ट्रहित में कार्य करें। मैं आपके KCN चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो अपने आप को सामर्थ्यवान चाहते हैं, जो चाहते हैं राष्ट्रहित में कुछ काम करूं, पक्का अग्निवीर में शामिल हो जाओ। ये बहुत सुनहरा अवसर है, हमें नहीं मिला, आप तो ले लो।